हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी सांसद का खुलासा, उन्हीं को टिकट मिलता है जो बड़े नेताओं को पैसा और लड़की सप्लाई करते हैं। चलिए जानते हैं आज के वीडियो के जरिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कई मौजूदा सांसदों का टिकट आलकमान ने काट दिया है। ऐसे में पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने तो चुप्पी साध रखी है, मगर अपने संसदीय क्षेत्र में अच्छा काम करने का दावा करने वाले सांसद हरिओम पांड्या अपना टिकट कटने से इतना नाराज है कि कहते हैं कि पार्टी में टिकट उसी को मिलता है जो पैसा और लड़की सप्लाई करे। दरअसल अंबेडकर नगर से सांसद हरिओम पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार के साथ बातचीत करते हुए एक साथ कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, बीजेपी ने पांड्या का टिकट काटकर मुकुट बिहारी वर्मा को दे दिया है, जो फिलहाल बहराइच के केसरगंज से विधायक है। ऐसे में मौजूदा सांसद का दावा है कि इस बार लोकसभा चुनाव अगर बीजेपी की एक दो सीट को छोड़ दे तो सभी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मैं चाहता हूं कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, मगर उनके आसपास के लोग ठीक नहीं जो उन तक गलत जानकारी पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी जिला अध्यक्ष पर कई आपराधिक केस दर्ज है। एक लड़की रेप का आरोप लगाकर धरने पर बैठी थी, लेकिन पार्टी में सपा बसपा का बोलबाला था। बता दें कि अंबेडकर नगर इस बार सपा बसपा गठबंधन से रितेश पांड्या को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से फूलन देवी के पति उम्मेद सिंह को टिकट दिया है। इससे पहले चुनाव में बीजेपी की तरफ से हरिओम पांडे ने 2014 में करीब 1,00,000 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।